इधर गुजरात में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा सपरिवार शामिल हुई। कल भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान के साथ बुरहानपुर पहुंची। यहां से सभी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते और बढ़ाते नजर आए। वहीं आज यात्रा के 78वें दिन यह यात्रा मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ थी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के इस पड़ाव में शामिल हुई है। यह यात्रा लगभग 11 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। इस दौरान 7 जिलों से होते हुए गुजरेगी। इसके बाद यह यात्रा राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करेगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो कल मध्य प्रदेश में एंटर हुई बुरहानपुर से, और हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम जो है कल शाम को बुरहानपुर में दिखाया। आज जो है कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और उनके साथ उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान जो है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन इन किया है। ये पहली बारी है जब प्रियंका गांधी ने ये यात्रा को ज्वाइन इन किया है, और इसके साथ साथ जो है सचिन पायलट और अन्य जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। मध्य प्रदेश में लगभग 11 दिन तक ये यात्रा रहेगी और उसके बाद झालावाड़ में 5 दिसंबर को इसकी एंट्री होगी। जहां तक मध्य प्रदेश के शेड्यूल की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ओमकारेश्वर के साथ साथ महाकालेश्वर भी जाएंगे, और उसके अलावा जो है बहुत सारी जनसभाएं भी जो है यहां पर आयोजित की जा रही हैं। कहता था कि हिंदी हार्टलैंड में मौका नहीं मिलेगा, यहां सब दूर भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से लोग परेशान है। बेरोजगारी का मुद्दा सर चढ़ के, महंगाई का मुद्दा सर चढ़ के, साथ ही साथ जिस तरीके का देश में अराजकता है, भाईचारा की आवश्यकता, उसको लोग जन समर्थन दे रहे हैं।